मुझे तो काला चोर कोई शातिर तेज फुर्तीला नौजवान लगा था, लेकिन लेकिन ये तो जनानी निकली, चोर नहीं चोरी निकली। क्या बकवास, शहजादी यास्मीन, वो भी काले चोर के लिबास में। हमें लगता था हम महल में रहते हुए सब कुछ जानते हैं, शहजादी काले चोर का लिबास पहन कर घूम रही है, और हमें इस बात की मालूमात तक नहीं हुई, तो फिर काला चोर कहाँ है? ये किस्सा क्या है, ये पता लगाना ही पड़ेगा। जिनू, जिनू मैं आ गया मेरे भाई। जिनू तुम कहाँ हो? जिनू कुछ बोलो, जिनू, जिनू तुम गाओ, जिनू, जिनू, जिनू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बेटे क्यों क्यों उस रोटेशन पे चल तो नहीं? कैसे पता करूं, क्या करूं मैं? जिनू, आईना, इस आईने की मदद से मैं अंगूरी छाप को ढूंढ सकता हूँ। इस आईने में उसका अक्स दिखाई देगा, ये आईना ही मुझे सच दिखाएगा। उजाले में चमकने वाली चीज देखिए, अंधेरे में भी चमकने वाली चीज देखिए, लेकिन ये मकड़ी के जाले में चमकने वाली चीज पहली बार देख रहा हूं। एक तरफ जिनू और मैं यहां फंसा हुआ हूं। क्या करूं मैं? बुलबुल चाचा का दिया हुआ इजाद, उन्होंने कहा था कि ये चीज दिखने में छोटी है लेकिन काम बड़ा करती है। शाही निशान, ये जरूर जिनुआ कोई इशारा होगा। मैं इस इशारे का मतलब और तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। फिलहाल अभी मुझे नक्चड़ी के पास जाना होगा। अरे परे हटो, कसम सोने की हस्तियों की, इतनी मिट्टी थी, यूं रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा, रगड़ रगड़ के नहाना पड़ा कि क्या बताऊं। अम्मी, तभी मैं कहूं कि आप इतने दुबले कैसे लग रहे हो? एक काम कीजिए, आप ना रोज नहा लिया कीजिए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना आपको। गुल्लू सही कह रहा है बेगम, मैं कल से रोज सुबह तुम्हें तालाब छोड़कर आ जाया करूंगा। कौन सा तालाब? अरे वही जहां ऊंट और भैंसे नहाने जाती हैं। बेगम तुम उनके साथ जल्दी घुल मिल जाओगी। ये जबान घसीट के गले में लपेट के एक बार के लिए खींच लूं तो किस्सा खत्म। अरे अपना दिमाग लगाओ, सोचो वजीर आला का काम कैसे करेंगे, दो एक रोज में वो हमें बुलाते ही होंगे, क्या जवाब देंगे उनको? अम्मी आप इस पसंद के पिटारे को उनके सामने पेश कर दीजिए, देखिएगा वो सब भूल जाएंगे। अबे ओ कदे के बच्चे, रोज रोज ना सही, कभी तो कल की बात कर लिया कर। अच्छी जला दिया मुझे, जला दिया ना। कसम सोने की अशर्फियों की, इतनी मिट्टी, अरे तुम्हारी नाक है ये सड़ा हुआ गंदा नाला। अम्मी आप दोनों का नाना तो आपकी किस्मत की तरह बर्बाद हो गया। तुम्हें कधे के बच्चे,
और जाओ जाके उसी तालाब में नहाओ जिसका जिक्र कर रहे थे। गुसलखाने में मैं जा रही हूँ। अरे पकड़ो 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 अरे पकड़ो 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 पकड़ो। ये तो वही पहाड़ खान है। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगा तो नहीं? आपने किसी काले चोर को देखा? वो काले लिबास में था, मुझे चकमा देकर भागा है वो। लगता है सब गए। वानक चढ़ी, तुमने सही कहा था, ना शेर की दहाड़ ना कोई पहाड़ खान, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब अलादीन बेटा तू भी यहां से निकल ले। अगर अलादीन काला चोर है तो फिर शहजादी काले चोर का लिबास पहनकर क्यों घूम रही है? मेरे अकल के जादूगर आका, मैंने अलादीन को कई बार इनके साथ देखा है। रात लेने आया होगा एक आध बार। बात खैरात वाली तो नहीं लग रही थी आका, बड़ा गहरा ग्याराना मालूम होता है। अक्सर बेहुदा बातें करते रहते हो, कम से कम हमें ये बात तो बता देते। कैसे बता पाका? मुझे पता ही नहीं था कि ये बगदाद की शहजादी है। बड़े लोगों का गम भी बड़ा होता है। मैं तो कहता हूं आका कि आज बगदाद के दो चार गांव में आग लगा ही दीजिए। बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। आपको लगा कि शहजादी यास्मीन आपको पसंद करती है, पर वो तो अलादीन के साथ चोर चोर खेलने में मसरूफ है। मेरा दिल कहता है आका कि बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है और आप उसमें डूब रहे हैं, और आपके साथ बगदाद के तख्त पर शहजादी यास्मीन के साथ बैठने का ख्वाब भी डूब रहा है। आका मुझे तो लगता है कि अलादीन और आपका ख्वाब एक ही है। नहीं, हम उसके उस ख्वाब को तोड़ेंगे। आका ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं एक बार में हजार आम तोड़ देता हूं तो ये ख्वाब क्या है? बस इतना बता दीजिए कि ये ख्वाब का बागीचा कहां है? अकल के बाग में, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। आका अगर शहजादी यास्मीन ने बादशाह सलामत को काले चोर के लिए मना लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटी के आगे बाप किसी की नहीं सुनेगा। ऐ सूखे हुए छुआरे, चबाए हुए दातून, जो आका कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ताकतवर की बात सुनी जाती है, जैसे कि तू मेरी। कभी कभी ताकत वो काम नहीं कर पाती जो अकल करती है, पर ये बात भी तुम नहीं समझोगे। चिराग के जिन हमाश हुकुम जफर सरकार का सवाल नहीं इनकार का, चिराग के जिन जाओ और बर्बाद कर दो उस काले चोर को।
हड्डियां तोड़ दो उसकी। तुमने सुना हमने क्या कहा? मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। जाऊं जाके उसको मारूं, उसकी खाल उधेड़ दूं, हड्डियां तोड़ दूं, फिर और क्या कह रहे हैं? पूरी बात कहिए। या रुके, मैं उसे लिख लेता हूं। हम चाहते हैं कि तुम काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर पाओगे? काले चोर को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कर सकूंगा, समझे? कर दिया। जो कि दुनिया अमरूद से जिन बारूद सा। तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं। निकाह हो गया या मैं पढ़वा दी? हमें बचाने के और भी कई मौके मिलेंगे काले चोर। ये मुझे क्या हो गया है? मैं नक्षत्र के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लग गया हूँ। पर सोचू भी क्यों ना, वो है ही ऐसी बहादुर सच्ची। मेरी खामोशियों को भी वो समझ लेती है। सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत। पिटकी तुम प्यारी खूबसूरत? ये क्या 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 कह रहा है अलादीन? तू ये सब क्या सोच रहा? नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ जिनू के बारे में सोचना चाहिए। पहले शहजादी, तो जिनू उससे दूर हो गया, और अब मैं नक्चड़ी। नहीं, सिर्फ जिनू। जिनू को मेरी जरूरत है, मुझे उसे ढूंढना है और उस शाही निशान वाले धूप घड़ी के बारे में पता करना है, और इसके लिए मुझे नक्चड़ी की मदद चाहिए होगी। नक्चड़ी? फिर से नक्चड़ी? क्या नक्चड़ी की मदद के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता? उसके बारे में सोचे बिना एक दिन नहीं गुजर सकता। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा अलादीन, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो फिलहाल घर चलता हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम ये मैं कहाँ गया? कौन है जो मेरे जिस्म में लोहे की कमी पूरी करना चाहता है? छुप के तो कोई भी हमला कर सकता है, तुम है तो सामने आओ। जिनू तुम ये क्या क्या? जिनू तुमने इंसानों के बायात तमाल, दुबे मोटी सर पे चोटी, पहले से तगड़े कपड़े बदले, आंखों में आग, सर पे दाग, भाई ना होता तो मैं जाता भाग। जिनू तू तो कितना बदल गया रे। जीनू नहीं, चिराग का जिल हूं मैं। जो भी है मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मिल गए, और तुम्हारी खुशी भी छलक छलक के बाहर आ रही है, कपड़ों में सिमट ही नहीं रही है ना। वाह वाह जीनू, क्या आवाज है! ये आवाज ना एक बार तुम चाचा चाची के सामने निकाल दो, देखना चाचा चाची 10 दिन के लिए बेहोश हो जाएंगे। हमें कम से कम थोड़े दिन के लिए सुकून तो मिलेगा। समझ गया मेरे भाई।
अब कि तुम बहुत जोर की चिल्लाते हो, लेकिन अब एक बार ठीक है ना, अब मत चिल्ला, अब वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, फिर मुझे काढ़ा बना बना कर तुझे पिलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? छी! प्यारा! कितनी गंदी गंदी बातें करते हो, और जबान देखो कैची की तरह तेज तेज चलती है। लेकिन एक बात सुन ले, मैं तेरी हकीकत, तेरी असलियत जानता हूँ कि तू काला चोर है। मैं तुझसे सख्त नफरत करता हूँ। नफरत नहीं, प्यार जिनू। प्यार जहर है, जिन जहर है। जिनू ये तुम क्या बोल रहे हो जिनू? घर चलो जिनू, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई काफी नहीं था कि अब अम्मी भी आ गई। एक बात कान खोल के सुन लो काले चोर, मैं किसी का भाई नहीं हूं, कसाई हूं। और यहां अपने आका के हुक्म की तामील करने आया हूं, तुझे मार के तेरे टुकड़े टुकड़े करने आया हूं। मरने को तैयार हो जा काले चोर। जिनू 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 रुको 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 जिनू। पहली बात, मैं जिनू नहीं, चिराग का जिन हूं। दूसरी बात, जिन एक मर्तबा में बात समझ जाते हैं तो तीन तीन मर्तबा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बातों में उलझाना बंद करो। जिनू मेरी तुम बातें कहाँ सुन रहे हो, जब मैं अपनी बातों में उलझाऊंगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं तो कैसे उलझाओगे। जिनू मैं जब भी बात करता हूँ तो तुम चुप हो जाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी बातों पे दिलचस्पी है। जिनू नहीं जी, नहीं है। है जी, है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं तुझे बताता हूं कि जिन की ताकत क्या होती है। जिनू जिनू को नहीं रोका, रास्ते तो गया अलादीन। जिनू जिनू मेरे भाई, हमने वादा किया था कि जो करेंगे साथ में करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बिरयानी खाएंगे, समोसे खाएंगे, मजे करेंगे। रुक जा मेरे भाई। भाई, प्यार, समोसा, इन तीनों अल्फाजों से नफरत है मुझे। खैर, तुम इंसानों से खास उम्मीद भी नहीं थी मुझे। तुम जैसे इंसान यूं ही घटिया बातें करते हो, लेकिन हम जिन अपने हुक्म की तामील, और मैं यहां अपने आका की हुक्म की तामील करूंगा। तुझे चांद से मार दूंगा, और मारने के बाद तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये जिनू मुझे पहचान क्यों नहीं रहा, ये सब कुछ भूल गया। ऐसा लग रहा है कि इसकी उसकी याददाश्त चली गई। या अल्लाह, ये अपनी पुरानी जिंदगी सब कुछ भूल गया, अम्मी भाई सब कुछ। अम्मी आज आपके बेटे अलादीन को आपके जिनू से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि ये वही तो नहीं, ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। और इस गाने को सुनने के लिए
मैं जिंदा रहूंगा या नहीं पता नहीं। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जिनू मेरे भाई, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हाँ? तुम्हें तुम्हें समोसों की कसम है। जिनू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना, हाँ? जब भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो,